नमस्कार बच्चों, मैं विनोद वत्स, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल बास की तरफ से आप सभी का केमिस्ट्री की दुनिया में एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं बेटा प्लस टू क्लास की यूनिट नंबर सेकंड सॉल्यूशन, और उसके अंदर भी हमारा जो टॉपिक है वो चला हुआ है मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग ए कंसंट्रेशन। पिछली वीडियो में हमने तीन मेथड्स पढ़े थे एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। पहला था हमारे पास परसेंटेज मेथड्स, यानी कि द मेथड्स इन विच ए टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज ए 100, और परसेंटेज मेथड तीन टाइप के थे, W/W, दूसरा W/V और तीसरा हमारे पास V/V। सेकंड मेथड हमने पढ़ा था बेटा स्ट्रेंथ, यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, और स्ट्रेंथ को हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स पर लीटर में। थर्ड मेथड हमने पढ़ा बेटा मोल फ्रैक्शन, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट वन, यानी कि X1, दैट इज इक्वल टू N1 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। तो इसी प्रकार से मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट टू, यानी कि X2 किसके बराबर होगा, N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। अब जो है आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इस वीडियो में करेंगे मोलरिटी एंड ए मोलिटी, और ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है। बच्चे MSc कर जाते हैं लेकिन ये डिफरेंस समझ में नहीं आता है, तो प्रैक्टिकली भी किसी वाइवा में आमतौर पर इन दोनों में डिफरेंस पूछ लेते हैं। तो आसान सी भाषा में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं मोलरिटी और ए मोलिटी क्या होती है। तो आइए हम इनको वन बाई वन करते हैं। तो हमारे पास दो मेथड हैं, एक है बेटा मोलरिटी, इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरा है हमारे पास मोलैलिटी, इसको स्मॉल M से रिप्रेजेंट करेंगे। तो दोनों ही मेथड्स हैं किसको एक्सप्रेस करने के, कंसंट्रेशन को। मान लीजिए भाई इसको मैं मोती मान लेता हूं, और ये जो है मनमोहन सिंह, तो मजाक के तौर की बात है। तो डिफरेंस करने के लिए एक मोलरिटी है और दूसरा क्या है बेटा मोलरिटी, एक कैपिटल M है और एक स्मॉल M है, इनमें डिफरेंस क्या है। पहले डेफिनेशन देते हैं केमिस्ट्री की भाषा में। तो मोलरिटी यानी कि इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। मोलरिटी मोदी कैपिटल M क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट के कितने मोल डिजोल्व हो गए हैं किसमें, पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। पर लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट के डिजोल्व हैं वो क्या कहलाएगी, मोलरिटी। तो यहां पे ये जो है इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहां पे क्या बेटा पर किलोग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट, और यहां पे क्या है पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। यही बेसिक डिफरेंस है इन दोनों को समझने के लिए। तो प्रैक्टिकली बाद में करेंगे, पहले फार्मूला डिराइव कर लेते हैं। मोलरिटी यानी कि कैपिटल M मोदी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ए लीटर। मनमोहन सिंह की डेफिनेशन देंगे, यानी कि समाल M मोलैलिटी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ए मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट, और ये क्या आ जाएगा
मास ऑफ सॉल्वेंट इन ए किलोग्राम, ये क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी किसमें लीटर में। इसमें क्या है बेटा मास ऑफ ए सॉल्वेंट इन ए किलोग्राम। अब हमें पता है बेटा यहाँ पे फार्मूला हम डिराइव करेंगे, यानी कि मोदी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलेकुलर मास। एक का मतलब सॉल्वेंट और दो का मतलब है सॉल्यूट, तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए बेटा सॉल्यूट के। अब इसके केस में हम इस प्रकार से लिखेंगे मोदी, और वॉल्यूम क्या है वी, और इसको हम क्या करें थाउजेंड से, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ml में दी हुई होगी तो 1000 करना है, यदि लीटर में ही दे रखी है तो फिर 1000 नहीं करना है। क्लियर है? तो यहां से हमारे पास फार्मूला आ गया बेटा मोदी यानी कि मोलैरिटी किसके बराबर आ गया n2 ओवर m2 इनटू 1000 ओवर v। ये फार्मूला आपको पूरी यूनिट में याद रखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल में भी आएगा मोलैरिटी मोलैरिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या होगी वॉल्यूम। यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे n2 क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और m2 क्या आ गया बेटा मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, और v क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है, वो भी लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ml के अंदर हमारे पास आएगी, तो ml में है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 में, लीटर में है तो एज इट इज, तो फिर उस टाइम पे 1000 नहीं आएगा। तो ये फार्मूला आ गया बेटा। इसके केस में हम करते हैं मनमोहन सिंह आगे यहाँ पे, यानी कि मोलैरिटी, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गया बेटा n2 ओवर m2, और W1 क्या सॉल्वेंट, और ये क्या आ गया थाउजेंड्स। तो मोलैरिटी किसके बराबर आ गई n2 ओवर m2, थाउजेंड्स ऊपर चला गया और नीचे क्या आ गया W1। यहां फिर डिफाइन कर दिया हमारे पास, तो n2 क्या है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यहां पे m2 जो है मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, और W1 जो है मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम में लिया था, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से कर दिया यहां पे। तो ये हो गया बेटा फार्मूला, ये तो डेफिनेशन आ गया हमारे पास। अब जो है क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये प्रैक्टिकली दोनों में ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। मान लीजिए भाई मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं कि भाई आपको प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है कि भाई एक तो 1 मोलर और एक क्या है 1 मोलर शुगर सॉल्यूशन देना है। अब हम मान लीजिए भाई डेफिनेशन हमने पढ़ ली है, डेफिनेशन पढ़ने के बाद प्रैक्टिकली दे दिया गया कि भाई हाउ यू विल प्रिपेयर 1 मोलर एंड 1 मोलर शुगर सॉल्यूशन। यदि ये बात समझ में आ गई तो फिर जिंदगी में कभी नहीं गलती करोगे बच्चे। तो यहां से ध्यान देखना बेटा, मान लीजिए भाई आपको शुगर दे दी जाए, शुगर आपके पास है और वाटर भी है और ये मेजरिंग फ्लास्क भी है, 2 मेजरिंग फ्लास्क दे, ठीक। तो हमने कैसे प्रिपेयर करना है, तो बच्चों से जब पूछते हैं बार बार तो कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, तो यहां पे यदि बनाना आ गया ना तो दोनों के केस में तो क्या क्या होगा। तो आइए दोनों को कैसे प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास मान लीजिए बेटा हमने डेफिनेशन में पढ़ा मोलैरिटी और मोलैलिटी, तो ये था हमारे पास, मैं एक बार फिर, ये है भाई मोदी
और ये है मनमोहन सिंह, मतलब है मॉडरेटी, और ये क्या है मोनालिटी। अब इसको प्रिपेयर करना है तो हम मेजरिंग फ्लास्क लेंगे बेटा 1 लीटर कैपेसिटी की। अब डेफिनेशन में क्या था, 1 मोल शुगर का 1 लीटर घोल में डिजोल्व कर देंगे, तो यहां पे 1 मोल शुगर का फार्मूला C2H22O11, और वो किसके बराबर होता है भाई, 342 ग्राम। तो इसके केस में यहां पे मान लीजिए इस निशान तक ये मेजरिंग फ्लास्क का है, 1 लीटर कैपेसिटी है, तो पहले इसमें हमने क्या किया, 1 मोल चीनी डाल दी, 1 मोल चीनी का मतलब है 342 ग्राम चीनी इसमें ऐड कर दी बेटा। उसके बाद इसमें पानी डालना शुरू कर दिया और पानी डालते चले गए और इस निशान तक हमने इसको भर दिया है। तो टोटल वॉल्यूम कितनी होगी, 1 लीटर, और उसमें कितने मोल सोल्यूट के हैं, 1 मोल शुगर के हैं, तो ये क्या बन गया, 1 मोलर शुगर सोल्यूशन। ये हमारे पास क्या बन गया भाई, 1 मोलर शुगर सोल्यूशन। ठीक है, दूसरे केस में अब कैसे तैयार करें, ऐसे ही एक मेजरिंग फ्लास्क यहां ले लेंगे, ये ले ली, और इसकी भी कैपेसिटी 1 लीटर की है। अब हमें मनमोहन सिंह यानी कि 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है, तो यहां सोल्यूट तो 1 मोल होगा लेकिन सॉल्वेंट कितना होगा इसमें, 1000 ग्राम। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, इसमें जब इसको प्रिपेयर करेंगे ना, तो पहले इसमें 1000 ग्राम सॉल्वेंट, कहने का मतलब है इस निशान तक पानी भर देंगे। ये 1000 ml हो गया, और वाटर की डेंसिटी 1 होती है, 1000 ml इज इक्वल टू किसके बराबर, 1000 ग्राम। तो सॉल्वेंट क्या हो गया, 1000 ग्राम। इसमें तो पहले क्या किया गया था, 1 मोल सॉल्यूट ऐड किया था, और फिर इस निशान तक टोटल वॉल्यूम 1 लीटर बनाई थी, 1000 ml बनाया था, लेकिन पहले इसमें 1000 ml पानी भर दिया गया। उसके बाद क्या किया हमने, 1 मोल शुगर, 1 मोल शुगर ऐड कर दी, वो भी कितनी, 342 ग्राम। तो ये जो प्रिपेयर हुआ ये क्या आ गया, 1 मोलर शुगर सॉल्यूशन। तो यहां पे 342 ग्राम तो चीनी हो गई है और 1000 ग्राम क्या हो गया है, पानी। तो टोटल कितना हो गया भाई, 1342 ग्राम। इसके अंदर टोटल ही 1000 है, क्योंकि 342 ग्राम तो चीनी है, बाकी हमारे पास क्या है, पानी है। ये इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया। अब वापस आइए डेफिनेशन पे, 1 मोलर यानी कि मोदी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ए मोल्स ऑफ ए सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ ए सोल्यूशन, घोल की टोटल वॉल्यूम 1 लीटर होगी। लेकिन मनमोहन सिंह के अंदर 1 मोलल छोटा एम के अंदर घोल के अंदर जो सॉल्वेंट है वो 1000 ग्राम होगा, उसके बाद सॉल्यूट आएगा इसमें, यानी कि इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो टोटल अमाउंट है वो 1000 से ज्यादा होगी। इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की टोटल वॉल्यूम जो है क्या होगी, 1000 होगी। अब मैं यहां से आपसे दो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता हूं। अब मान लीजिए बेटा ये मोलैरिटी है और ये मोलैरिटी है, ये हमने दोनों बना दिए, ये 1 मोलर शुगर सॉल्यूशन है और ये 1 मोलर शुगर सॉल्यूशन है। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए इन दोनों में से मीठा कौन सा ज्यादा होगा, क्वेश्चन समझ में आया कि भाई ये ज्यादा मीठा है या हमारे पास है ये ज्यादा मीठा है। देखो तो सीधी सी बात है, आप ये कहेंगे भाई ये ज्यादा मीठा है, क्यों बेटा, जिसमें चीनी ज्यादा है, नहीं, इसमें चीनी की अमाउंट तो दोनों के केस में 342 यानी कि सोल्यूट जो है क्या है, 1 मोल है, तो इसके अंदर जो पानी है
वो 1000 से कम है और इसमें पानी क्या है 1000 है, तो इसलिए 1 मोलर यानी कि मोदी इज मोर कंसंट्रेटेड देन 1 मोलर बिकॉज इन मोलर यानी कि मोदी सॉल्वेंट इज ऑलवेज लेस देन 1000 ग्राम। दूसरा पॉइंट यहां पे, अब हमने ये तो कह दिया कि भाई मोदी जो है ज्यादा मीठा बोलता है तो इसलिए ज्यादा कंसंट्रेटेड है। हमने सिंपली ये कहेंगे कि सॉल्वेंट इसमें जो है बेटा 1000 से कम है, इसमें सॉल्वेंट तो 1000 होगा ही होगा, कंडीशन है। अब दूसरा क्वेश्चन यहां पे ये पूछ लिया जाता है, आउट ऑफ देम मोलैरिटी एंड मोलैलिटी यानी कि मोदी में से और मनमोहन में से बेटर कौन सा। मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो सिंबल हमने दिए हुए हैं, तो बोला जी मोदी बढ़िया, कोई कहेगा मनमोहन बढ़िया, नहीं हमारे पास वो मैटर नहीं है। यहाँ पे बेटर का मतलब ये है कि क्या इनमें से किसी की वैल्यू चेंज होती है, तो हम कहेंगे हाँ, जो मोलैरिटी है इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा वॉल्यूम भी घटेगी बढ़ेगी, तो मोदी की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कहने का मतलब है मोदी जहां भी जाता है वहां पे चेंज हो जाता है, ड्रेस चेंज कर लेता है, स्टाइल चेंज कर लेता है, भाषा बदल जाती है, लेकिन मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रह गए, दैट विल नेवर चेंजेस, ना उसकी ड्रेस चेंज हुई ना वो खुद चेंज हुआ, यानी कि मोलैलिटी के अंदर मनमोहन सिंह के अंदर क्या हुआ, मास है, मास नेवर चेंजेस विद द टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो कहेंगे आउट ऑफ मोलैरिटी एंड ए मोलैलिटी विच वन इज बेटर, तो हम कहेंगे मोलैलिटी इज बेटर बिकॉज इट्स वैल्यू नेवर चेंजेस विद द टेम्परेचर, बिकॉज मोलैलिटी नेवर चेंजेस विद द टेम्परेचर एंड मोलैरिटी चेंजेस विद द टेम्परेचर। क्लियर हुई बात? तो यहाँ पे बेटा एक तो आपने फार्मूले याद रखने, दो छोटे छोटे क्वेश्चन, फार्मूला ये हो गया मोलैरिटी N2/N2 × 1000 ओवर ए वी रहेगा, इसकी वैल्यू जो है टेम्परेचर के साथ चेंज होगी, तो एक ही लैब में जब काम करना हो तो उस वक्त ये बेटर है। और यदि हमें सैंपल को एक जगह से दूसरी जगह पे टेस्टिंग के लिए भेजना हो तो हम किसको यूज करेंगे, मोलैलिटी को, क्योंकि अलग अलग प्लेसेस पे टेम्परेचर अलग अलग होता है तो कंसंट्रेशन वेरी कर सकती है, तो रीडिंग में चेंज ना आए, तो इसलिए डिफरेंस लैब के अंदर जब सैंपल टेस्टिंग करनी है तो किसको यूज करेंगे, मोलैलिटी को। क्लियर होगी बात? तो मोदी इज इक्वल टू N2/N2 × 1000 ओवर ए वी, मनमोहन सिंह इज इक्वल टू N2/N2 × 1000 ओवर ए W1। क्लियर? इट चेंजेस विद टेम्परेचर, इट नेवर चेंजेस विद द टेम्परेचर। 1 मोलर यानी कि मोदी इज मोर कंसंट्रेटेड बिकॉज इन दिस सॉल्वेंट इज ऑलवेज लेस देन 1000, एंड 1 मोलर इज लेस कंसंट्रेटेड बिकॉज सॉल्वेंट इज ऑलवेज 1000 ग्राम होता है। ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन होता है, तो प्रैक्टिकली भी आपको समझ में आ गया होगा और ये टॉपिक बार बार करना है, फार्मूले याद रखने हैं। अगली वीडियो में हम करेंगे नॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन यानी कि जो भी जो हमारे 3 मेथड्स बच गए हैं उनको एक्सप्रेस करने के, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। ये वीडियो आपको बेंजीन केमिस्ट्री बाय विनोद वत्स यूट्यूब चैनल पे मिलेगी बेटा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। कोई दिक्कत है तो इस नंबर पे फोन करते रहिए 9813547787। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।